जब सारी दुनिया भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने में मगलूल थी तो उस समय सोनभद्र के रेणुकूट कलाल भी भारत के लिए सेकंड इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2019 का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सोनभद्र के इसलाल ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में तेलंगाना के हैदराबाद स्थित गचिवोबली स्टेडियम में 10 से 16 जून 2019 तक आयोजित हुई प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच को जीतते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल सागर थापा जूनियर एज ग्रुप के अंडर 73 किलोग्राम की वेट कैटेगरी के अंतर्गत खेलते हुए फाइनल मैच तक की प्रतिस्पर्धा को सम्मानजनक तरीके से लगातार विजय प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा भी स्थापित किया। स्वर्ण पदक जीत जब अपने शहर रेणुकूट रात्रि 11 बजे पहुंचा तो लोगों ने रेणुकूट के पुलिस चौकी पर ही रोक कर फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 25 देशों के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने सभी भार वर्गों एवं आयु वर्गों के अंतर्गत स्वर्ण पदक की दावेदारी हेतु रोमांचक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया। सोनभद्र जिले से सोनभद्र ताइक्वांडो एसोसिएशन के 6 खिलाड़ियों का चयन टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ, जिनमें 4 खिलाड़ी सीनियर वेट कैटेगरी एवं 1 खिलाड़ी जूनियर व 1 खिलाड़ी कैडेट वेट कैटेगरी में चयनित हुआ था। सोनभद्र जनपद के ताइक्वांडो के क्षेत्र में यह पहला अवसर है कि ताइक्वांडो का कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता हुआ है। सोनभद्र में ताइक्वांडो को लेकर के कोई ऐसा सरकारी ऐसा सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये गोल्ड मेडल जो जीत के लाए, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या प्रतिस्पर्धाएं थी वहाँ पे? बहुत स्पेशल लगा है, कम से कम 30-25 कंट्रीज में। क्षेत्र में ताइक्वांडो को लेकर के कोई ऐसी प्रतिस्पर्धाएं नहीं है सीखने के लिए, यहाँ सरकार की कोई सुविधा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि अब अभी मेडल इन्होंने लाया तो कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सरकार सहायता करनी चाहिए। अभी अगर सरकार सहायता नहीं की तो अभी नेशनल इंटरनेशनल में मेडल ला रहे हैं, अगर सरकार सहायता करी तो ओलंपिक में भी जा सकते हैं। तो क्या प्रतिस्पर्धाएं थी वहाँ पे जहाँ ये आप लोग गए थे अचीवमेंट के लिए? तो वहाँ पे अदर कंट्री से भी आए थे, जैसे सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे जगह से और भी लोग आए थे। इसके 24 दूसरे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया।